पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जलपाईगुड़ी से अब रेल और हवाई सेवा की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही सालों पुरानी मांग हाईकोर्ट बेंच का उद्घाटन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में आयोजित आभार सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया। यहां किसान सम्मेलन में राहुल ने अपने चुनावी वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस गरीबों को गारंटी इनकम देगी और पैसे सीधे खाते में आएंगे। उन्होंने कहा कि किसान और नौजवान हमारे मालिक हैं, कांग्रेस का कोई सीएम ये बात ना भूले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती को प्रतिमाओं पर खर्च जनता का पैसा लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। लखनऊ और नोएडा में मायावती और उनकी पार्टी के चिन्ह हाथी की प्रतिमाएं बनवाई गई थी। एक वकील ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के बहुप्रतीक्षित जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ का उद्घाटन किया। इसको लेकर ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए राज्य सरकार को आमंत्रित नहीं किया और उसे अंधेरे में रखा। जम्मू कश्मीर की जवाहर सुरंग में फंसे 10 में से 3 पुलिसकर्मियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी को बचाने की कोशिश जारी है। गुरुवार को यहां हुए हिमस्खलन की वजह से ये जवान यहां फंस गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी का समर्थन करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव के अंदाज कुछ बदले दिख रहे हैं। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कड़ा संघर्ष होगा लेकिन अंत में परिणाम अच्छा ही आएगा। देश के चर्चित वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा यानी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल ने जमानत याचिका दाखिल की है। मिशेल ने शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया और अपनी जमानत की याचिका दायर की। प्रयागराज में चल रहे दिव्य और भव्य कुंभ में राजनेताओं के संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संगम में गंगा में डुबकी लगाई। भारतीय टीम ने ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। शेयर बाजार में शुक्रवार को तेज गिरावट आ गई। सेंसेक्स 424 अंक की गिरावट के साथ 36,546 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की क्लोजिंग 125 पॉइंट नीचे 10,943 पर हुई।